नमस्कार, स्वागत है आप सभी का INTV मीडिया में। INTV की एक बहुत बड़ी खबर का एक बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। संगीत सम्राट तानसेन की जन्म स्थली और साधना स्थली की जर्जर हालत हमने आपको अपने लाइव कवरेज में दिखाई थी, जिस पर शासन प्रशासन की कभी नज़र नहीं पड़ी, जिसे सरकार ने हमेशा नज़रअंदाज किया। हमने वो हालत आपको दिखाई थी और पहली बार उस पर बात की गई है अपने एक दिवसीय ग्वालियर दौरे पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देखिए क्या कहा तानसेन जन्म स्थली और बेहट के बारे में। और चाहे तानसेन जी की जन्म स्थली हो, बेहट और बाकी जो स्थान है उनके विकास की संपूर्ण योजना हमने बनाई है, एक और बार हम बैठेंगे। तो देखा आपने कि सरकार पहली बार बातचीत कर रही है तानसेन की जन्म स्थली के बारे में और बेहट के बारे में। INTV की इस लाइव कवरेज का बहुत बड़ा असर पड़ा है और हम आपको आगे दिखाएंगे कि किस तरह से हमने वहां पे वो लाइव कवरेज किया था, क्या था पूरा मामला। देखिए हमारी रिपोर्ट। देखिए आप देख रहे हैं, हम अभी जहाँ खड़े हैं वो तानसेन का घर है, जो बताया जाता है कि तानसेन का जन्म यहाँ हुआ और वो यहीं रहते थे। उस घर की दुर्दशा, पुरातत्व के इस ऐतिहासिक धरोहर की दुर्दशा आप देख रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और पुरातत्व को आज तक जानकारी में, अभिलेखों में इस प्रकार की प्रविष्टि इनके पास नहीं है कि तानसेन का जन्म किस जगह पर हुआ, किस स्थान पर हुआ। हम मौजूद हैं बेहट में। ये बेहट का दुर्भाग्य कह लीजिए या कुछ और, के सरकार ने और लोगों ने इसी तरह से बेहट को नज़रअंदाज किया है। आज हम जिस जगह मौजूद हैं ये तानसेन का घर है। तानसेन के घर की हालत आप लोग देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से बोलूँगा, प्लीज़ आप एक बार ये हालत पूरी दिखाइएगा। इतनी जर्जर और बेकार स्थिति है पूरे घर की। एक तरफ ग्वालियर में भव्य तानसेन संगीत समारोह का आयोजन होता है और दूसरी तरफ वहां से कुछ ही किलोमीटर दूर ये जगह है बेहट, जहां पे तानसेन के घर की इतनी बेकार बर्बाद हालत। उनको नया स्वरूप प्रदान करने की हम लोगों ने योजना बनाई है। और चाहे तानसेन जी की जन्म स्थली हो, बेहट और बाकी जो स्थान है उनके विकास की संपूर्ण योजना हमने बनाई है।